नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, नया कानून बना और नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। कर्मचारियों ने लापरवाही या गंभीर दोष किया तो रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुटी खत्म। अब पेंशन व ग्रेजुटी ही खत्म कर दी जाएगी। सभी राज्यों में भी लागू होंगे ये नियम। अब कर्मचारी सावधान हो जाओ, क्योंकि ये लो नया कानून और करो OPS के लिए आंदोलन। अब बताते हैं तुम्हें तो समस्त प्रकार के कर्मचारी, समस्त राज्यों के कर्मचारी जरूर देखें कि क्या नियम है। पुरानी पेंशन हमेशा के लिए भी जो पेंशन मिलेगी, चाहे वो NPS के तहत मिले या पुरानी पेंशन के तहत मिले, उसको हमेशा के लिए रोका जा सकता है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, और ग्रेजुटी भी खत्म कर दी जा सकती है। तो ये पूरा कानून जान लेते हैं, आप देखें और इस पर अपने विचार जरूर लिखें। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों को काम को लेकर चेतावनी जारी की है। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियम एक अनुसार रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेजुटी रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1921 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में CCS यानी पेंशन नियम 2021 रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेजुटी और पेंशन रोक दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र की तरफ से बदले नियम में की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेजुटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए। यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है। ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेजुटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है। ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेजुटी रोकने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंटेंट विभाग से रिटायर हुआ है तो CAG को दोषी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेजुटी रोकने का अधिकार दिया गया है। जारी नियम के अनुसार नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई तो उनकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन और ग्रेजुटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली की जा सकती है। इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन ग्रेजुटी को स्थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकती है। इस नियम के अनुसार ऐसे स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका जा या निकाला जाता है, उसमें न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित है।